हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मिक्स फ्रूट रायता की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स का प्रयोग किया गया है, क्योंकि फ्रूट में बहुत सारे आप लोग जानते हैं कि दही में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, ये मैंगो है इसमें भी विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, एप्पल में इसमें सब सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, तो आपके हेल्थ के लिए कितना अच्छा होगा। अगर आप चाहेंगे तो अगर फास्ट आप हैं तो उसमें भी नमक को अवॉइड करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने डाइट में भी इसको ले सकते हैं, तो देखिए आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। और गर्मी के दिन में और भी अच्छा रहेगा, दही को जब हम रायता बनाकर खाते हैं तो शरीर के लिए कितना अच्छा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बताते हैं कि कैसे बनता है। लेकिन एक बात बताने से पहले फ्रेंड्स, इसको हमारे चैनल जब आपको पसंद आएगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, आपसे ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, मैं 300 ग्राम दही ली हूँ जो एकदम ताजी है, दही खट्टी नहीं है, ताजी एकदम दही है। तो मैं रायता बनाने के लिए 300 ग्राम दही ली हूँ। तो मैं 300 ग्राम जो दही ली थी उसके साथ मैं एक कप दूध ली हूँ, और ये जीरा है देखिए भुना हुआ, और एक टेबल स्पून है चीनी है, शुगर है मतलब, और ये पुदीना है देखिए, पुदीने की पत्ती है, ये बहुत टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, और ये काला नमक है। तो मैं चल रही हूँ बनाने के लिए, तो पहले दही को मैं अच्छे से फेटूंगी, तो इसको मैं अच्छे से फेटने जा रही हूँ। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स करना है, धीरे धीरे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, देखिए एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं दही को अच्छे से फेट ली हूँ देखिए, और इसमें हल्का फुल्का खटापन है इसीलिए मैं दूध को मिक्स कर रही हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि दूध को आप मिक्स करेंगी, लेकिन थोड़ा हल्का सा अगर खटापन रहेगा तो जो मिक्स फ्रूट रायता हम बनाएंगे ना, तो उसका स्वाद थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए मैं दूध को इसमें ऐड कर रही हूँ। तो देखिए इसको दूध को जब ऐड कर दूंगी ना तो इसका स्वाद दुगना बढ़ जाएगा। तो इसको मैं ऐड कर ली हूँ, और इसके बाद मैं फ्रूट के पास चलती हूँ। तो मैं देखिए पहले मैं इसको काटूंगी, बनाना है ना, इसको छीलूंगी पहले अच्छे से, छील करके पीसेस करके इसको डालूंगी इसमें। तो मैं इसको अच्छे से काट ली हूँ, आप देखिए मैं दूध में ही इसको काट दूंगी पतला पतला, देखिए इसको मैं काट रही हूँ, इसी तरह आप लोग काटिएगा। इसको मैं अच्छे से काट ली हूँ, देखिए इसको काट कर मिला ली हूँ। तो इसके बाद मैं अब इसको एप्पल को काटूंगी, देखिए एक एप्पल है ना, इसको मैं इसको छील करके इसको पीसेस बनाऊंगी। इसको देखिए इसी तरह आप लोग छीलिएगा, देखिए इसको छील रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको पीसेस में काट ली हूँ, छोटे छोटे पीसेस में। तो इसको मैं ऐसे ऐड कर रही हूँ, इसको पीसेस में काट करके देखिए इसको ऐड कर दी हूँ। अब मैं चल रही हूँ मैंगो के पास, इसको भी मैं छोटे छोटे पीसेस में काटूंगी, पहले इसको अच्छे से छील लूंगी, देखिए इसको छील रही हूँ कैसे। इसी तरह आप लोग भी इसको छील करके और पीसेस में काटिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं मैंगो को छोटे छोटे पीसेस में काट ली हूँ, और इसको इसमें मिक्स करूंगी, और थोड़ा सा रखूंगी डेकोरेट करने के लिए, और इसको भी मैं थोड़ा इसमें मिक्स करूंगी अनार दाने को, और बाद में थोड़ा सा रखूंगी डेकोरेट करने के लिए। आप लोग भी ऐसे कीजिएगा। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही, और इसमें मैं पुदीने के जो पत्ते है ना, इसको मैं ऐड करूंगी इसमें, देखिए इसको इसी तरह तोड़ करके आप लोग डाल दीजिएगा, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, बढ़ जाता है इसका स्वाद इसमें डालने से। देखिए कैसे मैं डाल रही हूँ इसको, फिर इसमें मैं डालूंगी, देखिए ये शुगर है एक टेबल स्पून है ना, इसको इसमें ऐड करूंगी, फिर इसमें डालूंगी एक टेबल स्पून जीरा है, इसको मैं डालूंगी इसमें, देखिए जीरा को डाल ली हूँ, और इसमें ब्लैक साल्ट है ना, काला नमक, इसको मैं इसमें ऐड करूंगी एक टेबल स्पून है, इसको मैं इसमें
ऐड कर दी हूँ। देखिए इसको मैं इसमें ऐड कर दी हूँ और इसके बाद देखिए मिक्स हो चुका है हमारा फ्रूट, इसमें दही में मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी। तो देखिए मैं डेकोरेट कैसे कर रही हूँ। देखिए डेकोरेट कर रही हूँ। और मैंगो के जो पीसेस हैं ना, थोड़ा सा मैं बचा कर रख दी थी डेकोरेट करने के लिए, तो मैं इसमें डेकोरेट कर रही हूँ। इसको डेकोरेट करी हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा, खाने में भी स्वाद, मतलब स्वास्थ्यवर्धक है और हेल्दी है, और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा रायता बनकर रेडी हो चुका है, और आप अपने परिवार में खाइएगा और इसको सर्व कीजिएगा, और पार्टी वोटी कुछ में भी आप इसका प्रयोग कर सकती हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो देखिए तो कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं अगले रेसिपी के साथ आऊंगी।